नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूजी से बना हुआ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता जो बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाला है। जब हमारा घी गर्म हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी ली है, वो डालेंगे। आप चाहे तो बारीक या मोटी कोई भी सूजी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर मोटी वाली सूजी ली है। इसे चलाते हुए हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे कुछ देर के लिए हमें भूनेंगे। जब तक सूजी का कलर चेंज नहीं हो जाता है और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती है, तब तक हमें सूजी को भूनना है। देखिए, हमारी सूजी का कलर थोड़ा चेंज हो गया है, ये अच्छे से सिक चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पर 2 चम्मच तेल डाला है। जब तेल गर्म हो जाएगा, मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच राई, 1 चम्मच चने की दाल और 1/2 चम्मच उड़द की दाल डालकर इसे कुछ सेकंड के लिए भून लूँगी। अब मैंने यहाँ पर 1/2 कप सिंगदाना लिया है, उसे भी मैं कुछ सेकंड के लिए इसके अंदर भून लूँगी। मैंने यहाँ पर 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च ली है और कुछ कड़ी पत्ते डाल देंगे और इसे भी हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। देखिए, हमारी सभी चीज़ें अच्छी तरह से भून चुकी है। अब मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज का प्याज लिया है, जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, वो इसके अंदर डाल देंगे और इसे मिला लेंगे। प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए, हमारे प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर एक गाजर लिया है, जिसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, वो डालेंगे। और साथ में मैं यहाँ पर 1/2 कप मटर डालूंगी, मेरे पास फ्रोजन मटर है, वो डाली है। आप चाहे तो फ्रेश मटर डाल सकते हैं और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। हमें यहाँ पर सब्जियों को 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, जब तक हमारी सब्जियाँ पक नहीं जाती है। इसके लिए मैं यहाँ पर इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी। देखिए, 2 से 3 मिनट के बाद हमारी सब्जियाँ देखिए पककर तैयार हो चुकी है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैंने यहाँ पर जिस कप से सूजी ली थी, उस कप से मैं यहाँ पर पानी डाल लूँगी। मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी ली थी तो मैं उसका 3 गुना पानी डाल लूँगी। इसमें हम 3 कप पानी के डालेंगे और पानी डाल के हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जब तक पानी में उबाल नहीं आ जाता है, हम इसे उबलने देंगे। देखिए, पानी में उबाल आ चुका है। अब हमने जो सूजी सेक के रखी थी, वो हम इसके अंदर धीरे धीरे डालेंगे। हमें सूजी को थोड़ा थोड़ा करके डालना है, नहीं तो इसके अंदर लम्स पड़ जाएंगे। और हम इसे लगातार चलाते रहना है। लगातार चलाते रहने से देखिए, सूजी के अंदर का पानी सूख चुका है और हमारी सूजी फूल चुकी है। देख कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अब मैंने यहाँ पर 1/2 नींबू का रस डाला है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए हम ढककर छोड़ देंगे, जिससे हमारा उपमा और भी खिला खिला बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है और कितना खिला खिला बना है। अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम नाश्ते को डालेंगे और इसे हम हाथों से प्रेस करेंगे, जिससे यह अच्छी तरह से सेट हो जाए। उसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। देखें कितने आसानी से निकल चुका है और ये दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। और देखिए कितना खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरे इस नाश्ते की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।